My dear all students, welcome in my video lecture sessions. My name is Ashish Kumar. I am assistant professor in mass communications department in Babu Banarsi Das University, Lucknow. पिछले लेक्चर में हमने इंटरनेट के इतिहास के बारे में चर्चा किया था. पिछले एपिसोड्स में हमने ये जानने की कोशिश किया था, समझने की कोशिश किया था कि इंटरनेट किसे कहते हैं, इंटरनेट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, इसके बाद इंटरनेट की यूज़ क्या है. तो ये दो ऐसे मुद्दे थे जिस पर हम लोगों ने डीपली तो नहीं, पर हाँ हम लोगों ने चर्चा किया था. आज हम लोग ये जानेंगे कि इंटरनेट का इतिहास क्या रहा है, इंटरनेट कैसे जो है उत्पत्ति हुई, जन्म कैसे हुआ, उसका बॉर्न कैसे हुआ, कैसे इंटरनेट ने उन डिफ़िकल्टीज़ मतलब जो शुरुआती दौर में जो इंटरनेट की क्या स्थिति थी, क्या यूजेस थे, और अब जो इस यूजेस हैं वो समझने की हम लोग कोशिश करेंगे. लेकिन आपको कल के टॉपिक के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ, फिर आगे हम बढ़ते हैं इस सेशन में. तो सबसे पहले जो हम लोगों ने जिस विषय पर चर्चा किया था वो विषय था कि इंटरनेट किसे कहते हैं. तो बहुत सारे नेटवर्क को मिला के, बहुत सारे इंटरनेट कंप्यूटर्स को एक साथ बड़े पैमाने पर जोड़ा जाता है, उसको ही हम लोग इंटरनेट कहते हैं. अब इंटरनेट के यूज़ क्या है, इंटरनेट के दे आर सो मेनी यूजेस इन रूटीन लाइफ. आप कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जिस पर आप इंटरनेट के बारे में कह सकते कि हम इंटरनेट यूज़ नहीं कर सकते. सामान्य तौर पर मैं अभी एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ कि ये मोबाइल है, ठीक है. अब मैं इस मोबाइल को, ठीक है, बता रहा हूँ कि खासकर मैं एज ए टीचर हूँ तो आपको बता रहा हूँ. अब हमारे मोबाइल में एक सामान्य फीचर सब है, अब इसके बिना इंटरनेट नहीं चल सकता. यानी ये मोबाइल जो है ये तभी ऑपरेट होगा जब इसमें इंटरनेट होगा. अगर इंटरनेट नहीं है तो ये मोबाइल आपका डब्बा है, इस बात का ध्यान रखेंगे. अब इस इंटरनेट में ट्विटर है, व्हाट्सएप है, म्यूज़िक है, विंक म्यूज़िक है जो मैं कभी कभी गाना सुनता हूँ, उसके बाद जीमेल है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, मैसेंजर है, फिर माय जियो का ये मैं जिससे रिचार्ज कराता हूँ वो है, शेयर इट है, एसबीआई का एडोब एक्रोबेट है, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, फिल्मोरा है, भीम है, मिंत्रा है. ये सब तमाम आप अपने अकॉर्डिंग जो यूज़ कर रहे हैं, जितने भी फीचर यूज़ कर रहे हैं, ये इंटरनेट के बिना असंभव है, इम्पॉसिबल है. इसलिए जो इंटरनेट के यूजेस जो हैं ये बहुत ही इनलार्ज रूप में और बहुत ही वास्ट तौर पर इसका यूज़ किया जाता है. इसके अलावा इंटरनेट का जो यूज़ है उसके डिफेंस सेक्टर में हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक सेंटर, टेलीविजन के अगर दुनिया की बात करें तो न्यूज़ में इंटरनेट का यूज़ हो रहा है, उसके बाद जो टीवी सीरियल है वो भी इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं. अपने जो अपकमिंग सीरियल और जो सीरियल रिकॉर्ड हो चुका है, जो टेलीकास्ट हो चुका है, उसको भी इंटरनेट के माध्यम से वो टेलीकास्ट करते हैं यूट्यूब पे या वो अपने ऐप पे. तो ये तमाम जो सारी जो फैसिलिटीज़ है वो इंटरनेट के ही माध्यम से संभव है. लेकिन इस आज मैं जिस सेशन में हम लोग बात करेंगे वो इंटरनेट के थोड़ी सी इतिहास पर हम लोग गौर करेंगे, चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे कि आखिर इंटरनेट का इतिहास क्या है. तो लेकिन मैं आपको पता है कि इस सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं आपको सबसे पहले सिलेबस की जानकारियाँ देता हूँ
तो चलिए सिलेबस की जानकारियाँ हम लोग लेते हैं। ये है बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटीज़ का आपका बिल्डिंग जो आप लोग देख रहे होंगे। आपके कोर्स नेम है BA JMC, कोर्स कोड है BJMC 4104, सेमेस्टर है 1, सेशन है आप लोगों का 2020 और 21, सब्जेक्ट का नाम इंट्रोडक्शंस टू डिजिटल मीडिया। फैकल्टी का नाम आपको पता ही है, हमारा कांटेक्ट नंबर आपको पता है, आशीष कुमार जौहर @gmail.com पे भी कर सकते हैं या आशीष कुमार जौहर @bbdu.ac.in पर भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ये ऑफिशियल है। इसके बाद सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में 4 मॉड्यूलों में डिवाइड किया गया है आप लोगों का सिलेबस इंट्रोडक्शंस टू डिजिटल मीडिया में। इसके बाद जो हम लोगों का पहला मॉड्यूल पढ़ना है वो है इंट्रोडक्शंस टू इंटरनेट के बारे में जानकारी हमें पढ़ना है मॉड्यूल फर्स्ट में। मॉड्यूल सेकंड में IT और ये मीडिया, ये तमाम चीज़ें जो है। उसके बाद मॉड्यूल थर्ड में जो हम लोगों को पढ़ना है वो DTP और थोड़ा बहुत ब्राउज़र और ब्राउज़र कैसे डिज़ाइन होता है, उसके टूल टेक्निक क्या है, ये सारी चीज़ों का हम लोग स्टडी करेंगे। कोर्स ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, तो स्टूडेंट शुड हैव अ नॉलेज ऑफ वेरियस एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन मीडिया, एबल टू डिस्क्राइब बेसिक ऑफ डिज़ाइन एंड ग्राफिक, टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन टू वेरियस फॉर्म ऑफ विजुअल डिज़ाइन। सॉरी, ये कोर्स ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि आज हम लोग आगे इस सेशन को बढ़ेंगे। अब क्या इंटरनेट का इतिहास, यानी इंटरनेट का 1950 में क्या स्थिति था, ठीक है। द इंटरनेट हैज़ नो सिग्नल, इन्वेंटर इंस्टिट्यूट्स इन्वॉल्व ओवर द टाइम। द इंटरनेट गॉट इन स्टार्टेड इन यूनाइटेड स्टेट मोर देन द 50 ईयर अगो एज गवर्नमेंट वेपर इन द कोल्ड वार। तो जो ये इंटरनेट का जो सबसे पहले आविष्कार हुआ था वो 1950 में हुआ था और इसका यूज़ जो है वो कोल्ड वार के लिए किया गया था। उस समय इंटरनेट में कोई सिग्नल नहीं थे, कोई ऐसा मतलब नहीं था इन स्टेट्स टू इट्स वोकल कि आप की ज़रूरत थी। उसके साथ ही इंटरनेट गॉट इट स्टार्टेड यूनाइटेड स्टेट्स इन 1950s एंड इट्स यूज फॉर द कोल्ड वॉर। साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स यूज इट टू कम्युनिकेट एंड शेयर डाटा विथ वन अनदर थ्रू व्हाट वाज नोन द डार्प नेट, यानी डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, यानी DARP, यानी डार्प नेट, यानी डिफेंस एकेडमी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये था, ये इंटरनेट का यूज़ जो था बनाया गया था बेसिकली डिफेंस सेक्टर के लिए बनाया गया था। वे चाहते थे कि एक हम ऐसे नेटवर्क का, एक ऐसे इंफॉर्मेशन को शेयर करें जो शेयरिंग में कोई किसी को पता ना चल सके और बहुत आसानी से हम अपने डेटा को शेयर कर सकें। तो फिर इन्होंने एक डिफेंस सेक्टर्स के सिस्टम को, कंप्यूटर्स को जोड़ा एक दूसरे से। उसके बाद जोड़ने के बाद जो है इंटरनेट जो है यूजेज होने लगे, डेटा को शेयर करने लगे। ये बेसिकली कह सकते हैं कि डिफेंस सेक्टर्स के लिए ये यूज़ किया गया था, जिसको डार्प नेट कहते हैं। अब डार्प का अगर आपसे पूछिएगा फुल फॉर्म तो क्या होता है, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क।
तो डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क के लिए इसका यूज़ किया गया था। दिस वॉज इन रिस्पॉन्स टू द सोवियत यूनियन एंड बॉम्बिंग आवर नीड टू क्रिएट कम्युनिकेशंस नेटवर्क विच वॉज फ्री फ्रॉम इंटरफेरेंस एंड डिसरप्शन। ये सोवियत रूस के अगेंस्ट में किया गया था, वहाँ के इंफॉर्मेशन उनकी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए किया गया था। सोवियत रूस में और अमेरिका में हमेशा से कोल्ड वार चलता रहा है, तो वहाँ के इंफॉर्मेशन रशिया के लोग जो है अमेरिका के इंफॉर्मेशंस लेना चाहते हैं, और अमेरिकन लोग जो है अमेरिकन गवर्नमेंट जो है वो सोवियत यूनियन नहीं सोवियत गवर्नमेंट के इंफॉर्मेशंस को ये लोग लेना चाहते हैं। अब सवाल है कि इतनी ऐसा क्या ज़रूरत आ गई जो कि अमेरिका को एक इंटरनेट का बनना पड़ा। तो आपको पता ही होगा आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, तो उसमें ही नेट का यूज़ हुआ, बहुत सारे सिस्टमों को जोड़ा गया, खासकर मेडिकल डिफेंस सिस्टम के लिए, और फिर उसके बाद उसमें उसका नेट का यूज़ किया गया। अब देखिए लर्निंग आउटकम है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। टू अंडरस्टैंड कंप्यूटर एंड इट्स ऑपरेशन बेसिक इंटरनेट एप्लीकेशन इन मीडिया एंड वेरियस इंटरनेट टूल्स फॉर द डिसमिनेशंस ऑफ न्यूज़ वीडियो एंड पिक्चर। टू एनालाइज द डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल एंड न्यूज़ मीडिया। टू अंडरस्टैंड द बेसिक आईटी एप्लीकेशंस दैट इज़ यूजिंग इन प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक एंड साइबर मीडिया। टू अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ डिज़ाइन एंड ग्राफिक एंड द एबल टू अप्लाई डिफरेंट टाइप ऑफ लेआउट्स फॉर डिफरेंट मीडिया यूजेस। टू गिव एन ओवरव्यू ऑफ अप्लाई वेरियस एलिमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइंस टू वेरियस फॉर्म ऑफ विजुअल एंड ग्राफिक कम्युनिकेशन फॉर प्रिंट मीडिया। तो ये आपके सब्जेक्ट का लर्निंग आउटकम है, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं इस सिलेबस को, तो आपको बहुत सारी जानकारियाँ इंटरनेट के बारे में, इंटरनेट के इतिहास, इंटरनेट के एप्लीकेशन, हाउ टू यूज़ द इंटरनेट एंड मीडिया सेक्टर, फिर न्यूज़ वीडियो कैसे हम इंटरनेट के माध्यम से हम जो है शेयर करते हैं, इसको जानने और समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद टू एनालाइज द डिफरेंस बिटवीन द कन्वेंशनल एंड न्यू मीडिया, कन्वेंशनल और न्यू मीडिया में क्या अंतर है, इसको भी समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। इसके साथ ही टू अंडरस्टैंड द बेसिक आईटी एप्लीकेशन दैट इज़ यूजिंग इन प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक एंड साइबर मीडिया, यानी आईटी एप्लीकेशंस को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक और साइबर मीडिया में कैसे यूज़ किया जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज या आईटी एप्लीकेशंस जो कह सकते हैं कि एक बृहत रूप में कैसे प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक और साइबर मीडिया में यूज़ किया जाता है। टू अंडरस्टैंड बेसिक ऑफ डिज़ाइन एंड ग्राफिक्स एंड द एबल टू अप्लाई डिफरेंट टाइप ऑफ लेआउट्स फॉर डिफरेंट मीडिया यूजेस, तो ये भी होता है। टू गिव्स एन ओवरव्यू टू अप्लाई वेरियस एलिमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन टू वेरियस फॉर्म ऑफ विजुअल एंड ग्राफिक कम्युनिकेशन फॉर प्रिंट मीडिया, तो ये भी है कि जो डिज़ाइन की जो प्रिंसिपल है उसके एप्लीके एलिमेंट है उसको भी हमें स्टडी करना है। इसके साथ ही जो ग्राफिक कम्युनिकेशन है वो प्रिंट के लिए, जो ग्राफिक कम्युनिकेशंस का हम लोग यूज़ करते हैं प्रिंट के लिए कैसा है, आईटी सेक्टर्स में कैसे यूज़ किया जाता है, ये तमाम तरह की जो इन्फॉर्मेशंस हैं जो हमें इस लर्निंग आउटकम से मिलेगा। लास्ट है टू अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ डेस्कटॉप पब्लिशिंग एंड प्रिंटिंग प्रोसेस, यानी डीप जो डेस्कटॉप्स पर हम कैसे किसी चीज़ की प्रिंटिंग प्रोसेस करते हैं, कैसे जो डिज़ाइन करते हैं ब्राउज़र को, कैसे डिज़ाइन करते हैं किसी भी मैगजीन्स को, डिज़ाइन कैसे करते हैं किसी जो हम इंटरनेट पे जो न्यूज़ मीडिया के जो वेब पेज हैं उसको कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में इस बात पर डिस्कशन किया था जो कि प्रिंसिपल ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन क्या है,
फिर उसके एलिमेंट ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन, ये तमाम जो चीज़ें हैं, अगर आप विजुअल कम्युनिकेशन को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे तो फिर ब्रोशर डिज़ाइंस या जो ग्राफिक डिज़ाइन है उसको भी समझने में बहुत दिक्कत होगी। उसके जो टूल है, टेक्निक्स हैं, लाइन की यूजेज हैं, फिर कलर का है, तो जो प्रिंसिपल्स में जो टेक्सचर हम लोगों ने बात किया, कलर, ये सब सारी चीज़ें जो प्रिंसिपल में हम लोगों ने बात किया था, एलिमेंट में जो कौन है, जिगजैग लाइन है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, तो ये तमाम आपको जानकारी आपके पास होनी चाहिए, तभी आप ग्राफिक्स और कह सकते हैं कि जो वेब पेज है उसको कैसे डिज़ाइन किया जाता है वो हम लोग कर सकते हैं। अब है इंटरनेट 1950 में, तो पता है हम लोगों ने ये जैसे चर्चा किया कि 1950 में आर्पानेट था, जिस एडवांस जो सॉरी आप लोगों को फिर से डार्पानेट यानी डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट नेटवर्क, प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, तो ये आप लोगों ने याद रखिएगा, 1950 में जो है रसिया के खिलाफ यूज़ किया गया था ये, ठीक है, और अमेरिका ने अपने डिफेंस एकेडमी को मजबूत और इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए इसका किया गया था। इंटरनेट इन द 1960s, इन 1962 अ साइंटिस्ट फ्रॉम MIT एंड डार्पा नेम्ड JCR लिगडियर प्रपोज्ड अ गैलेक्टिक नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर टू टॉक टू अनदर सच नेटवर्क वुड इनेबल गवर्नमेंट लीडर टू कम्युनिकेट इवन इफ द सोवियत डिस्ट्रॉय द टेलीफोन सिस्टम। तो जब सोवियत, ये एक ऐसा 1960 में के 62 के आसपास जो था, वहाँ पे जो जो कंपनियाँ थी, इस बात के लिए चैलेंज था कि कैसे हम एक ऐसा नेटवर्क बनाएं जिस सिस्टम को ध्वस्त ही न कोई कर पाए। जैसे पहले जो टेलीफोन चल रहे थे तो टेलीफोन को, कम्युनिकेशन को ख़राब किया जा सकता था, उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता था, लेकिन जो प्रिंट था उसको भी हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते थे, लेकिन एक अमेरिकन रिसर्चर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि हम इससे इंफॉर्मेशन्स को शेयर कर लें ताकि हम बहुत पहले टाइम सेव हो, दूसरा हमारा इंफॉर्मेशन शेयर ना हो, तीसरा बहुत ही कॉन्फिडेंशियल तौर पर हमारा इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाए और किसी को पता भी ना चले। अच्छा, इसमें कम्युनिकेशंस को बाधा करने के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे कि बाधा कोई भी जो सो जिसके अगेंस्ट वो कर रहे थे वो कर सकते थे। इन 1965 अनदर MIT साइंटिस्ट डेवलप अ वे ऑफ सेंडिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, दैट इज़ कॉल्ड द पैकेट स्विचिंग, एंड पैकेट स्विचिंग ब्रेक इस डाटा डाउन टू ब्लॉक और पैकेट्स बिफोर सेंडिंग इट टू इट्स डेस्टिनेशन। यानी 1962 में जो MIT के साइंटिस्ट थे वो डार्पा नेम से इन्होंने नेटवर्क चलाया जिसको हम गैलेक्टिक नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स कहते हैं, एंड इसका मकसद ये था कि एक दूसरे से बात करना बिना नेटवर्क और इनेबल किए हुए गवर्नमेंट के इंफॉर्मेशंस को क्या था शेयर करना। 1962 में आपको MIT के जो साइंटिस्ट थे फिर उन्होंने एक पैकेट स्विचिंग इंफॉर्मेशंस का निर्माण किया। अब क्या है कि जैसे कह सकते हैं कि उन्होंने पैकेट स्विचिंग के थ्रू जो है इंफॉर्मेशनों को भेजना स्टार्ट किया, यानी जैसे हम लोग पोस्ट ऑफिस में या में जो एक इनवेलप में अपने इंफॉर्मेशंस को पैक बंद करके और उसे सील करके भेजते थे, उसी तरह से इंटरनेट पे भी जो है इस तरह से जो MIT के साइंटिस्ट जो थे 1965 में पैकेट स्विचिंग का काम करना, वो एक कह सकते हैं कि स्टार्टिंग वे में वो शुरुआत था, उन्होंने शुरुआत किया पैकेट स्विचिंग से कि इंफॉर्मेशंस को एक पैकेट के तहत भेजा गया कि देखते हैं कि ये इंफॉर्मेशंस कहीं लीक होता है या नहीं होता है, लेकिन ऐसा
नहीं हुआ, इंफॉर्मेशन का जो सोर्सेज था, जहाँ से इंफॉर्मेशन चली थी और जो डेस्टिनेशन था इंफॉर्मेशन पहुँचाने का, वो पूरी तरह से सेफ और प्योर फॉर्म में वहाँ पहुँचा। तो 1965 में MIT के जो साइंटिस्ट थे ने उन्होंने क्या किया कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में पैकेट स्विचिंग के थ्रू जो है वो इंफॉर्मेशन को शेयर करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो इसी को हम लोग उसको पैकेट स्विचिंग इंफॉर्मेशंस कहने लगे हैं। विदाउट पैकेट स्विचिंग द गवर्नमेंट कंप्यूटर नेटवर्क नोन नाउ नोन एज द आर्पानेट कुड हैव बीन द जस्ट वल्नरेबल टू एनिमी अटैच द फोन सिस्टम। तो विदाउट पैकेट स्विचिंग जो था गवर्नमेंट का कंप्यूटर नेटवर्क, क्या कहते थे उसको, आर्पानेट कहते थे, और वुड हैव बीन जस्ट वल्नरेबल टू एनिमी अटैक्स टू फोन सिस्टम। और ये क्या करता था, एनिमी के फोन सिस्टम को हैक कर लेता था। इन 1969 आर्पानेट डिलीवर्ड इन द फर्स्ट मैसेज नोड टू नोड कम्युनिकेशंस फ्रॉम वन कंट्री कंप्यूटर टू अनदर, बट इट इज़ क्रैश्ड। तो 1969 में क्या हुआ कि एक जगह से दूसरे जगह इंफॉर्मेशन मैसेज भेजने का काम स्टार्ट हुआ। अब ये मैसेज भेजने का क्या था, नोड टू नोड यानी पर्सन टू पर्सन जो था वो इंफॉर्मेशन को भेजने का काम किया गया, लेकिन ये इंफॉर्मेशन उतना सक्सेस नहीं हो पाया, क्रैश कर गया। अब वो 1970 के दौर में इंटरनेट की क्या स्थिति थी, बाय द एंड ऑफ 1969 जस्ट 4 कंप्यूटर्स वेयर कनेक्टेड टू द अर्पानेट, बट द नेटवर्क यहाँ पे कुछ टेक्निकल है, नेटवर्क मल्टीप्लाई हाउएवर इट्स बिकम द मोर डिफिकल्टीज फॉर द इंटरनेट एंड इनटू सिग्नल वर्ल्ड वाइड इंटरनेट। अब देखिए, मैं इसलिए इस दौर को बता रहा हूँ कि 50 के दौर में इंटरनेट की क्या स्थिति थी, 60 के दौर में क्या इंटरनेट की स्थिति थी, 70 के दशक में इंटरनेट की क्या स्थिति थी। तो 70 के दशक तक आते आते जो इंटरनेट का एक पर्सन्स टू पर्सन्स और एक जो कनेक्शंस था वो धीरे धीरे क्या हुआ कि बढ़ने लगा। यानी जो पहले 60 के दशक में या 50 के दशक में एक पैकेजिंग भेजा जाता था, एक इंफॉर्मेशन को सिर्फ शेयर किया जाता था, यानी पर्सन्स टू पर्सन जो है वो बात नहीं हो पाता था, और एक दूसरे से न मतलब जो एक इंटरनेट का जो बृहद पैमाना है वो नहीं हो पा रहा था। तो लेकिन 70 के दशक में ये चीज़ें पॉसिबल होने लगी। तो 70 के दशक में आते आते क्या हुआ कि दो चार कंप्यूटरों को जोड़ा गया, ठीक है, आपस में, फिर इंफॉर्मेशंस को शेयर किया गया, फिर इंफॉर्मेशंस को बताया गया। तो ये जो कोई भी चीज़ का जो आविष्कार होता है तो उसको बहुत समय और वक्त लगता है कि उसको एक पूरी तरह से चैनलाइज करने में, उसमें इम्प्लीमेंट करने में, ये तमाम चीज़ें जो होती है उसको एक वक्त समय लगता है। तो जिस समय इंटरनेट जो 50 के दशक में जो अमेरिकन जो थे आर्पानेट्स का यूज़ कर रहे थे अपने इंफॉर्मेशंस को शेयर करना, फिर जो आपके जो उनके एनिमी थे उनकी कम्युनिकेशंस को ध्वस्त करना, ये मेन मकसद था। फिर 60 के दशक में आते आते उन्होंने इंफॉर्मेशंस को पैकेज के तौर पर भेजना स्टार्ट किया, हालांकि सक्सेस भी हुआ। फिर 1960 में 70 के दशक में आते आते उन्होंने क्या किया, एक दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने का काम किया। यानी अब जो 70 में जो काम चल रही थी इंटरनेट पर, वो काम चल रही थी कि हम अपने इंफॉर्मेशंस को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर भेज सकते हैं, उसके बाद एक एक जगह ऐसे सिस्टम से हम अगर एक ऐसा इंफॉर्मेशन जो हम एक जगह से लेकर कई जगह पर एक बार में भेज सकते हैं। तो वो भी ऐसा सोच रहे थे कि 1970 के दशक में ये ऐसा हो जाए कि हम पर्सन्स टू पर्सन इंफॉर्मेशंस को भेजें, पहली नंबर चीज़। दूसरी नंबर चीज़, हम एक जगह से कई जगह पर हम इंफॉर्मेशंस को शेयर कर सकते हैं। तो वो पूरी तरह से उन्होंने सबसे पहले चार पांच कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ा और फिर इंफॉर्मेशन शेयरिंग का काम किया।
बाय द एंड ऑफ 1970 द कंप्यूटर साइंटिस्ट नेम विंटन क्रेफ हैड बीन बिगन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय डेवलपिंग अ वे फॉर ऑल ऑफ द कंप्यूटर्स ऑन ऑल ऑफ द वर्ल्ड सेमी नेटवर्क कम्युनिकेट विथ वन अदर. ही कॉल्ड हिज इन्वेंशंस ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. ठीक है, इसको ट्रांसमिशंस कंट्रोल प्रोटोकॉल भी कहा जाने लगा, या TCP इन ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. लेटर ही एडेड द एडिशनल प्रोटोकॉल नोन एज द इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड द एक्रोनाइम वी यूज टू रेफर दे, यानी TCP यानी IP. तो 70 के दशक तक आते आते देखिए अब IP एड्रेस भी बनने लगे, जो एक प्रोटोकॉल जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है उसकी भी समझ आने लगी साइंटिस्टों को. उसके बाद जो हम लोग जिसको IP इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल में बहुत सारे चीज़ें हैं, तो उसके अलग से लॉ है. वो आप लोग जब मीडिया लॉज और तो पढ़ेंगे तो उसमें इंटरनेट लॉ भी है कि इंटरनेट पर क्या कौन से इंफॉर्मेशन को शेयर करना है, कौन से इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करना है, ये तमाम चीज़ें हैं. तो 70 के दशक में आते आते क्या हुआ, साइंटिस्टों के इतने डेवलप कर चुके थे कि वो जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है वो इस तरह के वर्ड का यूज़ करने लगे, इन्वेंशंस करने लगे. फिर उसके बाद ट्रांसमिशंस कंट्रोल प्रोटोकॉल भी होने लगा, यानी मतलब ट्रांसमिशन यानी TCP जिसको कहते हैं, वो एडिशनल प्रोटोकॉल इंटरनेट, ये बाद में जाकर जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल में तब्दील हो गया. ये टेक्नोलॉजी जो है ये क्या हुआ, अब क्या हुआ, 70 के दशक तक आते आते जो क्या था कि जो कंप्यूटर था एक दूसरे से जुड़ गए और ये फैल गया. यानी अब ये इंडिया, ये अमेरिका के लिए नहीं था, ये अब पूरे वर्ल्ड में इस तरह से ये जो IP एड्रेसेस और इंटरनेट प्रोटोकॉल है उसका यूज़ होने लगा और पूरे वर्ल्ड में ये स्प्रेड हो गया कंप्यूटर. यानी 70 के दशक तक आते आते पूरे वर्ल्ड में कंप्यूटर का एक क्रांति रूप लेने लगा. ठीक, हमारे इंडिया में वैसे 85 के बाद जो कहा जाता है कि राजीव गांधी ने कंप्यूटर्स को ये लाने में योगदान था, तो उन्होंने कंप्यूटर्स को इंडिया में लाया. तो एक क्रांति के तौर पे जो मतलब 50 से स्टार्ट हुआ और 70 तक आते आते इंटरनेट की दुनिया जो है लोग अपनाने लगे, इसके जो पावर हैं इसको लोगों को समझ में आने लगा. इसके साथ ही लोगों को ये भी समझ में आने लगा कि आगे का जो 100 साल है या 200 साल है ये इंटरनेट का ही है. इसलिए बहुत जल्दी 70 के दशक के आते आते बहुत सारे कंट्रियों ने इसका फॉलो करने लगा. अब 80 के दशक में कंप्यूटर्स क्या था, यानी सेल्फ प्रोटोकॉल ट्रांसफर टू द इंटरनेट इनटू द वर्ल्ड वाइड नेटवर्क थ्रू आउट द 1980 रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट यूज इट टू एंड सेंड फाइल डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर. यानी 1980 के दशक तक क्या हुआ, कंप्यूटर जो था वो एक जगह से दूसरे जगह तक फाइल को भेजने और शेयरिंग का काम करने लगा. ठीक है, एक जगह से दूसरे. हाउएवर दिस नेटवर्क वॉज स्टिल बिटवीन साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज एंड लैब. तो अब ये क्या था कि साइंटिस्ट क्या कर रहे थे, जो एक जगह से बैठे बैठे वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और लैब को जो था वो इंफॉर्मेशन्स दे रहे थे, कनेक्ट करने की कोशिश कर किया उन्होंने और फिर इंफॉर्मेशन शेयर का काम किया. शुरुआती दौर की ये बात है, तो इसमें बहुत सारे डिफ़िकल्टीज भी आई, इसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे कि सबसे पहली बात कि जो हम इंफॉर्मेशन्स भेज रहे हैं वो सबसे पहले सिक्योर होना चाहिए. हम जितने इंफॉर्मेशन्स को भेज रहे हैं वो उतने ही इंफॉर्मेशन वहाँ पे
पहुंच जाना चाहिए। ये एक था। दूसरा फास्ट था कि हम जो इंटरनेट है उसको हम फास्ट इंफॉर्मेशंस को हम फास्ट तौर पर भेज सके, तो ये एक चीज़ था। इंटरनेट इन द 1990s, तो अब 1990 के दौर में इंटरनेट का क्या हुआ? तो बर्नर ली ने, टीम बर्नर ली ने इंट्रोड्यूस किया वर्ल्ड वाइड वन WWW डॉट का आविष्कार किया, वर्ल्ड वाइड वेब, यानी एक ऐसा चीज़ों की का आविष्कार किया जिससे पूरी दुनिया एक्सेस कर सकता था। ये 1991, उससे पहले वर्ल्ड वाइड वेब नहीं था। उससे पहले ये था कि हम इंफॉर्मेशंस को जो था वायर के थ्रू हम भेज रहे थे, यानी एक जगह यूनिवर्सिटीज़ में हर जो इंटरनेट कनेक्टेड था और हम एक जगह बैठ के हम इंफॉर्मेशंस को शेयर कर रहे थे, लेकिन पूरी दुनिया उस चीज़ को एक्सेस कर सके। ये 1990 से दौर स्टार्ट हुआ। इसमें टिम बर्नर्स ली ने क्या किया कि वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW डॉट का आविष्कार किया, जिसको STPP भी कहते हैं। ठीक। एंड इंटरनेट वॉज नॉट सिंपली वे टू सेंड फाइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट वॉज इट सेल्फ वेव ऑफ इंफॉर्मेशंस डैट एनी वन ऑन द इंटरनेट कुड बी रिट्राइव। एंड कट तो 1990 तक क्या हुआ कि टिम बर्नर्स ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का भी निर्माण कर दिया। एक ऐसा वेब का निर्माण किया जिससे कि पूरी दुनिया उसको एक्सेस कर सके, उस पर सारे इंफॉर्मेशनों को शेयरिंग कर सके, वो हाथ इंफॉर्मेशन को शेयर कर सके, सेंड कर सके। ये तमाम चीज़ें होने लगी। वो कहीं का इंफॉर्मेशन कहीं से लिया जा सकता है। जैसे मान लिया जाए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जैसे बाबू बनारसी दास BBD का है, तो BBD के अंदर जितने भी नेट जुड़े हुए हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन मुझे एक्सेस करना है, यानी BBD के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करना है। अब BBD ने क्या कर रखा है कि BBD ने अपने सारे इंफॉर्मेशंस को वेब फॉर्म में डाल रखा है, यानी जो WWW डॉट है उस पर डाल रखा है। तो इस पे डालने से क्या होता है कि दुनिया में आप कहीं भी रहे, वो अगर उसके IP एड्रेस को अगर आप टाइप करते हैं WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब पर जाते हैं और उसके बाद उसके इंफॉर्मेशंस यानी BBDU.AC.IN को टाइप करते हैं, तो आपको BBD में एक्सेस करने का यानी आपको वहाँ की इंफॉर्मेशंस को शेयर करने का परमिशन मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ा, मतलब कह सकते हैं कि क्रांति था, रिवोल्यूशंस था। 50 के दौर में तो था ही, 50 के दौर से आते आते 40 वर्ष में इंटरनेट ने पूरी दुनिया पर अपना कब्जा, मतलब कब्जा ही जमा रखा था, जमा लिया। उसके बाद जो इंफॉर्मेशंस का जो एक स्पीड था, यानी रॉकेट के भी स्पीड से भी जो था इंटरनेट काम करने लगा। तो वर्ल्ड वाइड आने से 1990 के दशक तक आते आते क्या हुआ, वर्ल्ड वाइड वेब का भी निर्माण हो गया। और इसके निर्माता कौन थे? टिम बर्नर्स ली। अब है 1992 में अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एंड रिसर्चर्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस डेवलप बाय द सोफिस्टिकेटेड ब्राउजर दैट दे कॉल्ड द मोजाइक एंड आईटी लेटर बिकम्स द नेट स्कैप। एंड मोजाइक ऑफर्ड अ यूजर फ्रेंडली वे टू रिसर्च द वेब। इट अलाउड यूजर टू सी वर्ड्स एंड पिक्चर्स ऑन द नेम पेजेस फॉर द फर्स्ट टाइम एंड द नेविगेटेड यूजिंग स्क्रोल बार एंड क्लिक व्हील। यानी 1992 तक जो है बहुत सारे चीज़ों का आविष्कार होने लगा। जो और ख़ासकर इसमें जो सबसे बड़ी बात क्या है कि यूनिवर्सिटियों ने अपना योगदान बहुत ज़्यादा दिया है। जैसे MIT ने इंटरनेट को आविष्कार करने का जन्मदाता कह सकते हैं, उसके वही जन्मदाता हैं। फिर टिम बर्नर्स ली ने WWW के आविष्कार से पूरे वर्ल्ड में ये चौंका दिया कि आप कहीं से भी कहीं की भी इंफॉर्मेशंस को आप शेयर कर सकते हैं, ले सकते हैं, आप इंफॉर्मेशंस को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये था।
फिर नाइन्टी टू में जो तो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ने क्या किया कि एक सॉफिस्टिकेटेड ब्राउज़र का निर्माण किया जिसको मोजाइक कहते हैं। फिर मोजाइक ऑफर्ड यूज़र फ्रेंडली वे टू रिसर्च वेब, इट अलाउड यूज़र टू सी वर्ल्ड एंड पिक्चर ऑन द सेम पेज फॉर द फर्स्ट टाइम एंड नेविगेटेड यूजिंग स्क्रॉल बार एंड क्लिकेबल। तो ये जो भी जितने भी इंफॉर्मेशन थे उन्होंने 1992 में ये सब चीज़ों का आविष्कार हुआ। और आज के सॉरी लेक्चर में, आज के इस लेक्चर सेशन में बस इतना ही। हम अगले लेक्चर सेशन में इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इंटरनेट ने कैसे अपना आज तक के दौर में कैसे उन्होंने अपना पूरे दुनिया में अपना जाल बिछाया। लेकिन मैं एंड करने से पहले थोड़ा रिमाइंड करता हूँ ताकि आप लोगों को कुछ चीज़ें समझ में आए। और मैंने आपके जो है 90, 60, 70, 80, 90 ये जो 40 साल का जो सफ़र है वो सफ़र को मैंने आपको दिखाया ताकि आपके जहन में वो चीज़ रह सके। ऐसा नहीं कि एक इंटरनेट का पूरा आप कंटिन्यूअस फॉर्म में आप जान रहे हैं, आपको जो मोटा इन्फॉर्मेशंस है आपको इसके थ्रू मिल जाएगा। 1960 में 50 में कैसे इंटरनेट का था और इंटरनेट का जो आविष्कार किया गया 1950 में वो क्यों किया गया, तो आर्पानेट के थ्रू जो है इंटरनेट का एक जन्म हुआ। आर्पानेट से जिसका काम था इंफॉर्मेशन शेयर करना अपने सैनिकों के लिए उन्होंने था। दूसरा जो ये था कि जो उनके नियमित थे अमेरिका सोवियत रशिया के इंफॉर्मेशंस को कलेप्स करना, उसके इंफॉर्मेशंस को ध्वस्त करना, ये एक मकसद था। उसके बाद जो था एक ऐसा इंफॉर्मेशन जो सिक्योर हो, सेव हो, सेफ हो, तो ये सारे इंफॉर्मेशन के लिए अर्पानेट का आविष्कार किया गया। उसके बाद फिर क्या किया, 50 60 के दशक तक आते आते क्या किया गया कि पूरे कंप्यूटर 3-4 कंप्यूटरों को आपस में जोड़ा गया और फिर पैकेट इंफॉर्मेशंस और गैलेक्टिक इंफॉर्मेशंस के तहत जो है एक पैकेजिंग इंफॉर्मेशंस के शेयरिंग का काम स्टार्ट हुआ। 70 तक दशक आते आते क्या हुआ कि जो पर्सन टू पर्सन इंफॉर्मेशन को भेजने का काम स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद जो 70 के दशक में एक कंप्यूटर से कई कंप्यूटर जोड़कर इंफॉर्मेशन शेयरिंग का काम स्टार्ट हो गया। लेकिन पूरे वर्ल्ड वाइड में जो एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है उसके बारे में भी हमें जानकारियाँ मिलने लगी, यानी इंटरनेट के प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेस, ये तमाम चीज़ें जो है 1970 के दशक से स्टार्ट हो गया। यानी 30 साल के सफ़र में जो इंटरनेट ने अपना जो एक एडवांस फॉर्म कह सकते हैं, उसके बाद ही इंटरनेट जो अपना एक जाल नेटवर्क जो है बिछाने का काम किया। फिर उसके अंदर बहुत तमाम चीज़ें दिन पर दिन प्रतिदिन उस पे जो है काम चल ही रहे थे, तो आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये सब तमाम चीज़ों के ऊपर काम होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद इंटरनेट जो है पूरी 70 के दशक तक आते आते ये सारा काम हो गया। 80 तक दशक तक में जो था इंटरनेट जो क्या हुआ कि एक दूसरे से जुड़ गया, इंफॉर्मेशन शेयरिंग होने लगे, वर्ल्ड वाइड नेटवर्क पर जो है वो काम होने लगा। ठीक है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह इंफॉर्मेशनों को शेयरिंग होने लगा। ठीक है, 1980 के दशक तक क्या हुआ कि कंप्यूटर्स एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को भेजा जाने लगा। फिर 1990 का दशक है, इसमें क्या हुआ कि टिम बर्नर्ली ने WWW वर्ल्ड वाइड का निर्माण किया। इसमें इस इंफॉर्मेशन के तहत आप दुनिया के किसी भी कोने में आप जो है उस इंफॉर्मेशंस को शेयर कर सकते हैं, भेज सकते हैं, ये तमाम चीज़ें थी। फिर 1992 में जो एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट थे, रिसर्चर थे, उन्होंने
एक इलिनियस डेवलप सोफिस्टिकेटेड ब्राउज़र का निर्माण किया जिसे मोजाइक कहते हैं। और मोजाइक हम लोग तो काम मोजाइक पर तो काम करते ही थे। इट्स लेटर बिकम नेट एस्केप पर हम लोगों ने काम करना, मोजाइक पर भी हम लोगों ने काम किया। मोजाइक ऑफर्ड अ यूज़र फ्रेंडली वे टू रिसर्च द वेब। इट अलाउ टू यूज़र सी वर्ड एंड पिक्चर्स ऑन द सेम पेज फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी एक पेज पर आप वेब भी देख सकते थे और वर्ड को भी, पिक्चर्स को भी देख सकते थे और वर्ड को भी देख सकते थे। तो ये मोजाइक का इम्पोर्टेंस था, खासियत था, ये सारी चीज़ें थी। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। और मेरे हिसाब से आई थिंक आप लोगों को बहुत आसानी से और बहुत मैंने जो बहुत ही क्लेरिफाई करके आप लोगों को समझाया है। ऐसा नहीं कि इंटरनेट्स को एक इतिहास के तौर पर आपको पढ़ाया है, एक चंक में कि 60 के दशक में इंटरनेट ने मोटे तौर पर क्या हुआ, 70 के दशक में मोटे तौर पर क्या हुआ, 80 के दशक में मोटे तौर पर क्या हुआ, 90 के दशक में मोटे तौर पर क्या हुआ। तो अगर आपको इंटरनेट का कोई इतिहास पूछे तो आप इजी वे में आप किसी को भी बता सकते हैं कि 60 के दशक में जो था वो 50 के दशक में इंटरनेट आरपानेट था, जो एक कंप्यूटर से हम अपने इंफॉर्मेशंस को शेयर कर रहे थे, एक इंफॉर्मेशंस को दूसरे जगह भेज रहे थे। इसके बाद क्या हुआ, 70 के दशक में क्या हुआ कि हम जो है इंफॉर्मेशंस को शेयरिंग करने लगे, हम किस कम्युनिकेशंस को जो था दुश्मन के कम्युनिकेशंस को ध्वस्त भी कर सकते थे, तो ये काम होने लगा। 70, 80 तक, 90 तक आते आते WWW वर्ल्ड वाइड वेब का भी निर्माण हो गया। हम जिससे पूरी दुनिया में सारे इंफॉर्मेशंस को भेज सकते थे, शेयर कर सकते थे, हमारे पास इंफॉर्मेशन आ सकते थे। तो आज हम लोगों ने ये जाना हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। अगले सेशन में फिर हम वीडियो लेक्चर्स में आपके सामने में इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें धन्यवाद।